मेरे बहुत ही सत्कारयोग्य जज साहबान अति मेरे प्यारे साथियों, आओ सब तो पहला अपना सतगुरु वालों बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला आप सब नु मेरे वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब दिया लख लख वधाइयां होन जी। मैं तमन्ना अरोड़ा 6वीं जमात दी विद्यार्थन आज तुहाडे सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन नाल संबंधित भाषण देन जा रही हां। आप सब ने ध्यान नाल श्रवण करना है जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म दे 9वें गुरु सन। आप जी दा जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं गुरु गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे होया। आप जी दे पिता जी दा नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अते माता जी दा नाम माता नानकी जी सी। आप जी दा बचपन दा नाम त्यागमल सी। करतारपुर दे जंग समय आप जी वल्लों दिखाई बहादुरी कारण आप जी दे पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप जी दा नाम बदल के तेग बहादुर रख दिता। आप जी ने मुढ़ली विद्या बाबा बुड्ढा जी अते भाई गुरदास जी पासों प्राप्त कीती। ओ कई भाषावां दे विद्वान सन। इस तो इलावा आप जी ने शस्त्र विद्या भी ग्रहण कीती सी। आप जी दा व्याह माता गुजरी जी नाल होया। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आप जी दे सपुत्र सन। ओ शुरू तो ही धार्मिक रुचियां दे मालक सन। बाबा बकाले विखे आप जी ने 20 साल तपस्या कीती सी। बाबा बकाले विखे रहंदिया ही आप जी ने 1664 ईस्वी विच गुरगद्दी संभाली। आप जी ने दूर दराडे इलाकियां विच यात्रावां कीतियां अते धर्म दा प्रचार कीता। आप जी वल्लों रचे 15 रागां विचों 116 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हन। आप जी ने पहाड़ी राज्यां कोलों जगह खरीद के चक नानकी दा नगर वसाया, जो बाद विच श्री आनंदपुर साहिब जी दे नाम नाल सिखी दा प्रसिद्ध केंद्र बनया। इत्थे ही औरंगजेब दे जुल्मां दे शिकार होए कश्मीरी पंडित आप जी कोल फरियाद लेके आए सन। इस तरह हिंदू धर्म दी रक्षा करन लई आप जी ने दिल्ली दे चांदनी चौक विच 11 नवंबर 1675 ईस्वी विच कुर्बानी दित्ती, पर औरंगजेब दी ई नहीं मन्नी। हुण उस जगह ते गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब सुशोभित है। मानवता दी भलाई अते तिलक गंजू दी रक्षा लई आप जी वल्लों दित्ती गई कुर्बानी कारण आप जी नू हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर कहा जाता है। धन्यवाद। इन्हां शब्दां दे नाल मैं अपने भाषण दी समाप्ति करदी हुई फतेह दी सांझ पाउंदी हां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।